मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय एक से 17 तक हम पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार एक पहला अध्याय एक से 17 तक। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनदाब से नगशोन और नगशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोवज उत्पन्न हुआ। बोवज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशाई उत्पन्न हुआ और ईशाई से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी। सुलेमान से रगबाम उत्पन्न हुआ। रगबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशबाद उत्पन्न हुआ। यहोशबाद से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ। योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आगाज से इज़ेकिया उत्पन्न हुआ। इज़ेकिया से मनशीशग उत्पन्न हुआ। मनशीशग से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशियाबा से युकन्या और उससे उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यहुन्या से शलितियेल उत्पन्न हुआ और शलितियेल से जरुबाबिल उत्पन्न हुआ। जरुबाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ। सदोक से अकीम उत्पन्न हुआ और अकीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। इलीहूद से इतियाजार उत्पन्न हुआ। इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। प्रिय भाई बहनों, इधर हम मत्तीरथ सुसमाचार हम शुरू किया गया। सुसमाचार चारों सुसमाचार को हम वापस हम ध्यान करेंगे। आज ये पहले अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ रहे थे। अब देखिए कई मसीह लोग ये सब जो ये 17 वचन है उसको पढ़ने बगैर छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें इसमें क्या आ गया। ये इससे ये उत्पन्न हुआ, उससे ये उत्पन्न हुआ, ऐसे इसको वो उत्पन्न हुआ, ऐसे ऐसे पूरा इससे उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ वही पूरा पूरा लिखा है। इसमें सीखने के लिए क्या करके कई मसीह लोग इस भाग को जब बाइबल पढ़ते हैं, रेगुलर बाइबल पढ़ने वाले मसीह लोग भी इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम इस भाग से भी पवित्र आत्मा में क्या सिखाएंगे करके हम सीख सकते हैं। इधर हम देखते हैं पहले वचन में हम देखते हैं, देखिए पहले वचन में अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। क्यों इधर अब्राहम
और दाऊद को स्पेशल रीति से पवित्र आत्मा पहले वचन में लिखा है। हमको मालूम है जब ये दिन बगीचा में आदम पाप में गिर गया, पाप किया, तब परमेश्वर ने एक वायदा किया, एक स्त्री से एक बीज आएगा, मतलब एक मनुष्य उत्पन्न होगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा। यही वायदा है आदम को प्रभु ने किया है। एक आशा भरी हुई एक आवाज उस एदेन बगीचा में आदम के लिए मिला। ये आवाज को शैतान भी सुना, जो वंचित किया अव्वा को, वंचित कर कर पाप में उन लोगों को गिराया हुआ शैतान भी उस आवाज को सुना। उसको मालूम हो गया एक दिन आएगा भी आदम से मैं वंचित करके सब में पा लिया। पृथ्वी को पर पूरा अधिकार आदम को दिया गया था, जब पाप में वो गिर गया मुझे सब वो दे दिया, अभी मैं पृथ्वी में राजा होकर राज्य करूंगा करके वो उसको मालूम है। लेकिन उसको मालूम हो गया अभी कुछ दिन आने वाला है, उसमें एक मनुष्य स्त्री से एक मनुष्य उत्पन्न होगा, वो मेरा सिर को कुचलेगा, मेरा राज्य को अंध करेगा करके उसको उस दिन से पता चल गया। फिर शैतान भी राज्य करते रहा, लोगों को पाप में गिराते रहा, ये सब किया। लेकिन उसके बाद में अब्राहम को प्रभु ने बुलाया। अब्राहम को जो हम उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें हम देख सकते हैं अब्राहम को प्रभु वायदा किया, तुमसे तुम्हारा वंश से भूमंडल की सब जाति लोग आशीष पाएंगे। वो किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। आज हम देखते हैं पूरा अब्राहम की संतान से जो आया हुआ यीशु मसीह, यहूदी कुल में जन्म हुआ यीशु मसीह, वो पूरा पृथ्वी के लिए सब जाति लोगों के लिए जो जो उसको स्वीकार करते हैं आशीष का कारण बन गया है। यही वायदा अब्राहम को किया यीशु मसीह के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में। और इतना ही नहीं है, दाऊद को भी वापस किया परमेश्वर ने। दाऊद को ऐसे वायदा किया, तुम्हारा संतान से हमेशा कोई होंगे युगान युग सिंहासन में राजा बनकर राज्य करेंगे। हमको मालूम है दाऊद के संतान में कई राजा लोग आए, दाऊद भी, सुलेमान, फिर यरोबयाम, सब लोग, रघुबयाम, सब लोग आते रहे, एक एक मरते गए, दूसरा राजा आया, ऐसे जाते रहे। लेकिन निरंतर एक व्यक्ति कभी भी युगान युग राज्य करने के लिए वो कोई भी नहीं मनुष्य नहीं हुआ दाऊद का संतान में। लेकिन यीशु मसीह जो दाऊद का पुत्र कहलाया गया, दाऊद का संतान यीशु मसीह ही युगान युग इस पृथ्वी को, मतलब 1000 साल इस पृथ्वी को राज्य करने वाला है, और युगान युग राज्य करेंगे और राजा बन के रहेंगे हमेशा के लिए। वही दाऊद को भी प्रभु पिता परमेश्वर ने वायदा किया। इसलिए दोनों को इधर पहले वचन में हम देखते हैं, इब्राहिम और दाऊद दोनों का संतान करके इधर यीशु मसीह के बारे में वंशावली करके शुरू हो रहा है। हम इसमें से क्या सीखते हैं प्रिय भाई बहनों? आदम को प्रभु वायदा किया, और अब्राहम को वायदा किया, और दाऊद को वायदा किया। वो वायदा प्रभु यीशु मसीह जन्म होते हुए पूरा हो रहा है, और क्रूस में उसका मृत्यु होते हुए पूरा हो गया है, और अभी राजा का राजा सारे अधिकार शैतान से छीन कर पा लिया गया, सारे नाम से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने देकर अपने दाहिने हाथ में उसको बिठाया गया। ये सब वायदा प्रभु ने पूरा कर दिया गया। इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास में कई शैतान कई योजना किया, इसके विरोध में आया, उद्धार करता जन्म नहीं होना है, जो स्त्री का बीज जो है मुझे कुचलने के लिए जो आने वाला है उसको नहीं आने देना करके कई कोशिश किया। लेकिन जो वायदा किया वो परमेश्वर वायदा को पूरा करने में विश्वास योग्य है। वो ये दिखाया पूरा प्रभु उसको पूरा कर दिया। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु कितने वायदाएं दिए हैं, उसको पूरा करते आ रहे हैं हम। प्रभु विश्वास योग्य है, जो वायदा हमारे लिए प्रभु ने दिया है उसको जरूर पूरा करेंगे। वो सर्वसामर्थी है। वो इसमें से हम देखते हैं दुनिया में कितने, हम देखते हैं ना 42 पीढ़ी
बयालीस, 40 और दो, इतना पीढ़ी हो गया है उसके बाद में यीशु मसीह जन्म हुआ। आदम से 42 पीढ़ी के बाद में यीशु मसीह जन्म हुआ। प्रभु पिता परमेश्वर जो वायदा किया गया, अब्राहम को वायदा किया, आदम को वायदा किया, दाऊद को वायदा किया, पूरा किया, वो परमेश्वर आज भी न बदलने वाला आ गए, वो कभी नहीं बदलता आ गए। वो जो जो वायदा हमारे जीवन में भी वो किया, वो भी पूरा करेंगे। पहले वो हमें से हम देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं इस बाग में, हम देख रहे हैं इधर यीशु मसीह का, यीशु मसीह पूरा पूरा सौट का एक मनुष्य करके इस वंशावली से हम अब समझ सकते हैं। इतना ये इसको उत्पन्न किया, वो उसको उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, इतना रिकॉर्ड परमेश्वर ने रखने के लिए मदद किया, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। कितने लोग हमको भी देखे, हम मुझे भी पूछेंगे तो मेरा पापा का नाम मुझे मालूम है, मेरा पापा का नाम मालूम है, लेकिन उसका पापा का मेरे दादा का नाम मुझे मालूम नहीं, चारवा पीढ़ी भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन इधर देखिए, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने ऐसे सिखाया, मदद किया। 42 पीढ़ी तक कौन उत्पन्न उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, सब लिख के रखने के लिए प्रभु ने मदद किया है। देखो प्रभु इसमें से हमको क्या मिलता है, यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% मनुष्य है, ये हम पढ़ते हैं। अब देखिए सुलेमान, दाऊद को मैं पहले बता रही थी, दाऊद को प्रभु वायदा किया, दाऊद का पुत्र बर्शीबा से हुआ, दोनों बेटे 13 बेटे थे, 13 सन्स थे, 13 लड़के दाऊद से बर्शीबा, उसको बर्शीबा से दाऊद को हुआ। उसमें दो लोग हैं, नातान और सुलेमान, उसमें से दो। सुलेमान का वंश में ऐसे वंश में आते 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 यूसुफ आ रहा है, जो यीशु मसीह का पप्पा नहीं है, यीशु मसीह को पालन पोषण किया हुआ मरियम का पति, वो सुलेमान का वंश में, वंशावली में आ रहा है। नातान का वंशावली में, वो भी दाऊद का बेटा बर्शीबा के द्वारा हुआ, उसके वंशावली में मरियम आ रही है। इसे दोनों दाऊद का संतान, मरियम का भी दाऊद का संतान, मरियम भी दाऊद का संतान है, और यूसुफ भी दाऊद का संतान है। प्रभु इतना विश्वास योग्य रहा उनको, मरियम को यीशु मसीह जन्म हुआ। अभी उसके बाद में हम ये देख रहे हैं, यीशु मसीह 100% मनुष्य है। हम देख सकते हैं जिस दिन एदेन वाटिका में परमेश्वर ने वायदा किया, एक मनुष्य उत्पन्न होगा स्त्री से, वो शैतान का सिर को कुचलेगा। तब से शैतान ने प्लान बनाया, मनुष्य रहेगा प्योर, मतलब शुद्ध मनुष्य, 100% मनुष्य, ऐसे एक मनुष्य रहेगा तब तो मुझे कुचलने के लिए आएगा। मनुष्य जाति को ही मैं मिटाऊंगा, तो पूरा मनुष्य जाति को पूरा मिलावट मैं कर दूंगा। ऐसे करेगा तो मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो कौन मुझे आके मेरा सिर को कुचलेगा करके शैतान प्लान बनाने लगा। नूह का जल प्रलय के पहले ही हम इतिहास में पढ़ते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, जो जो विज्ञानी लोग भी ढूंढ के निकले हैं, उसमें क्या है, कोई शैतान के साथ गिरे हुए कुछ बुरे स्वर्गीय दूत मनुष्य पुत्रियों के साथ, वो लोग सोए सोकर वो लोग दानव लोगों को वो उत्पन्न किया। इसलिए वो लोग दानव लोग पूरा पूरा मनुष्य नहीं रहा, ऐसे कहीं गड़बड़ किया शैतान ने। नूह के जल प्रलय का पहले कोई कोई इतिहास लिखने वाले पंडित लोग लिखते हैं, नूह का जल प्रलय का पहले पूरा दुनिया ऐसे मिलावट हो गया, शुद्ध मनुष्य नूह और उनका बीवी और उनके तीनों बेटे और तीनों पत्नियां, 8 लोग ही केवल शुद्ध मनुष्य पाया प्रभु परमेश्वर ने, दूसरा सब मिलावट हो गया, जानवर के साथ दानव के साथ, दानव दानव के साथ मनुष्य लोग, ग्रेवे स्वर्गीय दूत मनुष्य लोग के साथ, ऐसे ऐसे कुछ बीज में मिलावट होकर शुद्ध मनुष्य लोग, ये केवल ये 8 लोग ही मिला करके, कोई
कोई कोई लोग बोलते हैं, हमको पूरा पूरा पता नहीं है। इसलिए जल प्रलय का पहले आने के पहले जगाज बनाकर परमेश्वर जो वायदा किया वो परमेश्वर उसको पूरा करना है, उद्धार करता हुआ 100% मनुष्य बनकर आना है। इसलिए ऐसे नूह को जल प्रलय से प्रभु ने बचाया एक जगाज में, और जब पूरा पृथ्वी जो मिलावट हो गया है सबको सत्यनाश किया, वापस मनुष्य जाति शुद्ध मनुष्य जाति शुरू हुआ है। नूह का सेम काम जापेत करके 3 बेटे, उसमें से अभी जो जो मनुष्य लोग हैं हम उत्पन्न हुए, इसमें सेम का वंशावली में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। ऐसे उसके बाद में भी देखिए दानव लोग वापस भी, वो शैतान उसको कोशिश किया, जब मिस्राइम देश में से इसराइली लोग छुटकारा पाकर कानान देश में पहुंचने के पहले ही वो इसको मालूम हो गया शैतान को, इस याकूब का पुत्र यूदा उसका कुल में मसीहा आएगा, इसलिए वो क्या किया, वो लोग इधर कानान में आने के पहले ये क्या किया, अलग अलग जगह में जो जो दान होते सब लोग इसराइल देश में आकर बसने लगे। हमको मालूम है कालेब के बारे में, योशुआ कालेब, वो कालेब के बारे में, वो पहाड़ी प्रदेश में वो ऐसे दानव लोगों को मारकर जीत लिया करके हम पढ़ते हैं बाइबल में। और जो इसराइली लोग गुप्तचर लोग देश को देखने के लिए आए 12 लोग, तब 10 लोग बोल रहे थे हम बड़े बड़े दानव लोग को हम देखे, वो हम जो तितली समान थे, ऐसे ही छोटा ये कीड़ा सामान उनके सामने हम थे, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। सचमुच में दानव लोगों को इधर से पहले से अलग अलग जगह से पृथ्वी में से कानान देश में पहुंचा दिया, ताकि वापस मनुष्य जाति को 100% मनुष्य जाति रगना नहीं देना है, उसको मिलावट करना है। दाऊद के बारे में भी हम पता है, दाऊद का समय में भी गोलियात एक दानव को दाऊद ने मार डाला, और उनके भाई लोग को भी मार डाला दाऊद और उनका सेना ने। ऐसे दानव लोग को भी शैतान तो बीच बीच में ये प्लान को बनाते रहा, लेकिन परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, सर्व सामर्थ्य है, सही समय पर। इधर हम देखते हैं 42 पीढ़ी 42 जनरेशन्स पूरा 17 1 से 17 तक ये उत्पन्न किया, इसको वो उत्पन्न किया, उत्पन्न किया, उत्पन्न किया। हम इसमें से क्या हमको पता चलता है, ये परमेश्वर पूरा यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर आया। शैतान कितना प्लान बनाया वो सब सक्सेस नहीं हुआ, सब फेलियर हो गया। एस्तर का समय में भी हमको मालूम है आघान एक अमले की, वो उठकर पूरा यहूदी लोगों को सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि शैतान को पता चल गया यहूदा कुल से ही मसीहा आने वाला, एक मनुष्य आने वाला मुझे मेरा सिर को कुचलने के लिए। वो एस्तर के समय में प्रभु एस्तर को उठाया, यहूदी लोग मिटने से प्रभु बचाया, बड़े अपना पराक्रमिक हाथ से बचाया, ये सब करते आ रहा था। और जब यीशु मसीह जन्म हुआ शास्त्री लोग हीरो हीरोद राजा के राजमहल में जाकर बता दिए गलती से, तब हीरोद ने क्या किया, उस बेतलेम के आसपास जगह में 2 साल के अंदर जो जो बच्चे लोग हैं, 2 साल और उसके अंदर जो जो बच्चे लोग हैं सबको सत्यानाश किया, मार डाला। शैतान कितना कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान है पूरा हुआ, वही हम इससे देखते हैं। इतना 42 जनरेशन्स के बाद में इतना कोशिश किया शैतान ने, यहूदा कुल में यीशु मसीह नहीं आना है, एक प्योर मनुष्य जाति को आने नहीं देना है, ये सब वो कोशिश किया, लेकिन वो कोशिश हार हो गया। शैतान यीशु मसीह सही समय पर 100% मनुष्य बनकर इस दुनिया में मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होकर जन्म हुआ, ये बहुत इतना बड़ा सक्सेस है। ये हम इस भाग से हम वो भी हम देख सकते हैं, यही प्रभु दिखा दिया प्रभु का हाथ दिखा दिया, ऐसे उद्धार करता तो जन्म हो गया शैतान को कुचलने के लिए 100% मनुष्य बनकर। त्रिएक परमेश्वर में एक पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में पूरा 100% मनुष्य बनकर आया हमें बचाने के लिए, क्योंकि हमको मालूम है
आदम को मनुष्य लोगों को प्रभु इस पृथ्वी में अधिकार दिया, उस अधिकार को शैतान के पास दे दिया आदम। वापस शैतान से एक व्यक्ति आकर उसको हार कर हरा कर उसको सारे अधिकार छीन लेना, तो वो एक मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ही इस पृथ्वी में अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, क्रूस में जान दिया, शैतान का उस हाथ में जो जो आदम ने दिया हुआ सारे अधिकार को छीन लिया और विजय पाया है, क्योंकि वो 100% मनुष्य था। अभी हमारे ऊपर शैतान को कोई अधिकार नहीं है, हम आज़ाद हो गए। यही प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर आकर किया। इसलिए हमेशा दुष्टात्मा को प्रभु यीशु मसीह भगाता था, तब दुष्टात्माएं ऐसे चिल्लाते थे, क्या करते थे, ओ यीशु तुम परमेश्वर का पुत्र हो, हम जानते हैं तुम परमेश्वर का पुत्र हो करके बोलते थे। कभी भी एक बार भी नहीं बोला, सुसमाचार में हम देखते हैं चारों पुस्तकों में क्या एक बार भी नहीं बोला यीशु तुम मनुष्य का पुत्र करके, एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम है कबूल करना नहीं चाहते थे। मनुष्य का पुत्र करके यीशु मसीह को हम बोल देंगे, वो पूरा अधिकार उसको हमारा ऊपर उसको है करके वो लोग जानते थे, दुष्ट आत्माएं जानते थे, लूसीफर शैतान जानता था। यही है इसमें से हम पढ़ते हैं, पूरी इस वंशावली से हमको पता चलता है यीशु मसीह 100% पूरा एक मनुष्य करके हम जान सकते हैं। और भी एक चीज़ हम इसमें से सीख सकते हैं, इधर चार औरत लोगों के बारे में हम इधर पढ़ते हैं, राहाब और तामार, राहाब है, तामार है, राहाब है और रूथ है और बर्शिबा है जो उरिया का पत्नी थी, और उसके बाद में दाऊद ने उसको ले लिया अपना पत्नी के रूप में। ये चारों औरत लोगों को हम देखते हैं, चारों लोगों के बारे में आप पुराना नियम में पढ़ेंगे, वो लोग उसमें दो लोग तामार और बर्शिबा, वो लोग यहूदी लोग थे, वो लोग यहूदी लोगों चुने हुए यहूदी लोग थे, और रूत और राहाब वो दोनों अन्य जाति स्त्री थे। इसको भी अन्य जाति स्त्रियों को भी इधर प्रभु ने अंदर रखा है, क्यों वंशावली में रखा है, क्यों मालूम है यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है, पूरा विश्व के लिए अन्य जाति लोगों के लिए भी है। जब समय आ गया पौलुस को वो प्रकटीकरण प्रभु ने दिया है, केवल यहूदी लोग चुने हुए लोग नहीं है, जो यीशु मसीह के स्वीकार करते हैं अन्य जाति लोग भी पूरा विश्व में वो लोग भी चुने हुए हैं, राजबद्धधारी है वो लोग भी, राजा लोग राजकीय वो लोग ये बन गए हैं। ऐसे ही प्रभु करने के लिए प्रभु का योजना पहले से था, इसलिए दो अन्य जाति स्त्रियों को भी इस वंशावली में इंक्लूड किया, अब रखने दिया, क्योंकि आने दिया, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए है। और ये चारों लोगों की हमको चरित्र को हम देखेंगे, उनका इतिहास को देखेंगे। तामार के बारे में हमको मालूम है, तामार यहूदा का वो एक मतलब वो बहू थी, लेकिन प्रभु का इच्छा, यहूदा को 3 बेटे थे, उसमें से एक से यीशु मसीह का जन्म उसका वंशावली में वो आना था, लेकिन दोनों बेटे गलत काम किया तामार के साथ, बच्चा होने नहीं दिया, अपना बीज को गिरने दिया, इसलिए प्रभु उनके ऊपर गुस्सा होकर वो दोनों को मार डाल दिया। और तीसरा लड़का था, यहूदा सोच रहा था ये औरत बहुत श्रापित हुआ स्त्री है, लेकिन तामार का कुछ गलती नहीं था, यहूदा ऐसे सोच रहा था मेरा दोनों बेटों को इसके साथ शादी करके दिया, ये मार डाल दिया, मर गए, इसलिए श्रापित हुआ स्त्री है, इसलिए मेरे तीसरा बेटा को नहीं देना करके वो सोच रहा था। लेकिन प्रभु तामार को इस्तेमाल किया, तामार जो किया गया अपना ससुर के साथ शारीरिक संबंध रखकर वो दोनों बेटों को जन्म दिया, जुड़वा फारेस, उसमें से उसका वंश से प्रभु यीशु मसीह आया। लोग बोलते हैं, पंडित लोग बोलते हैं, जो तामार ने किया गया वो गैर कानून नहीं है, इलीगल नहीं है, यहूदी कानून के अंदर ही उसका एक किया है। हम बोल सकते हैं वो ससुराल के साथ ससुर के साथ सोई, ऐसे ऐसे जब जन्म दिया करके, ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहन। तामार विश्वास के साथ वो जो
दूसरे लोग नहीं करेंगे ऐसे चीज को अपना ससुर से किया, उसका एक ही मकसद था। प्रभु यहूदा से ये प्रभु का वंशावली यहूदा से होना है, लेकिन यहूदा का पत्नी मर गई और ये दोनों बेटा भी मर गए। अभी तीसरा बेटा को भी वो देने के लिए ये नहीं है, लेकिन तामार को प्रभु इस्तेमाल किया। तामार का इतिहास ऐसा है। अब राघव के बारे में देखिए, राघव भी ऐसा है, वो भी एक वेश्या थी, लेकिन इसराइली लोगों को स्वीकार किया, गुप्तचरों को, स्पाइस को स्वीकार किया और प्रभु को स्वीकार कर लिया, पर अपना परमेश्वर करके पूरा जो जो पुराना सबको छोड़ दिया। इब्रानियों को 11 अध्याय में पढ़ते गए, जो राघव विश्वास के साथ ये कदम रखी इसराइली लोगों के साथ आ गई, उसको प्रभु आदर किया। इसराइली लोगों के साथ उसको शादी हुआ एक सलमोन के साथ, उसके द्वारा दाऊद जन्म हुआ, एक उसके पीढ़ी में दाऊद जन्म हुआ। और वो रूत के बारे में सोचिए, रूत एक मोआबी स्त्री थी, वो भी अपना देव देवता को छोड़कर नवोमी अपना सासमा के साथ तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर करके पूरा एक विश्वास के कदम रख कर, वो भी परमेश्वर को चुनकर, इसराइल का परमेश्वर को चुनकर, सच्चाई परमेश्वर को चुनकर वो भी आ गई। प्रभु को उसको सब देखा, वो उसका भी नाम इधर आ गया। बत्शीबा का गलती नहीं था, वो अच्छा से उरिया के साथ अच्छा से शांति से जी रही थी, लेकिन दाऊद का गलती था, वो उसका ऊपर ये किया और उसको अपना मगल में लेके आया जबरदस्ती से, उसके साथ सोया और उसको कलंकित किया और उसका पति को भी मार डाला। ये सब दाऊद ने किया, बत्शीबा ने नहीं किया। उस बत्शीबा के बारे में भी हम देखते इसमें आ रहा है। देखिए बत्शीबा के बारे में, हमने बत्शीबा को दाऊद को बत्शीबा के द्वारा 13 लड़के लोग हुए, उनका वंश में यीशु मसीह जन्म हुआ। और इतना ही नहीं है, बत्शीबा के पुत्र सुलेमान को जो नीति वचन में बत्शीबा लेमुएल की मम्मी करके लिखा है, वो अपना बेटा सुलेमान को इतना अच्छी अच्छी सलाह दे रही है। इसलिए बत्शीबा भी एक भक्ति से भरे हुए एक स्त्री में एक होगा। इसलिए प्रभु ऐसे स्त्री चार स्त्रियों को इधर शामिल किया और हमको माँ ये सब हम सीखने के लिए मिलता है। प्रभु हमारा बैकग्राउंड कैसे भी हो, हमारा जीव परिवार कैसे भी हो, हमारा ये सब पुराना समय में हमारा जीवन कैसे भी हो, हम जब प्रभु के हाथ में अपना जीवन को समर्पण करेंगे, प्रभु को चुन लेंगे, प्रभु का रास्ता के लिए हम, प्रभु का इच्छा के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, कोई भी व्यक्ति इतिहास बना सकता है। उसका नाम इतिहास में रोशनी करने के लिए उसके लिए प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर के इतिहास में देखते हैं कितने ऐसे तुच्छ गिरे हुए लोगों को प्रभु इस्तेमाल करके कई करोड़ों लोगों को आशीष किया है। ये सब चीजें हम इसमें से सीख रहे हैं। पहले प्रभु इसमें से प्रभु वायदा को पूरा करने वाला है। दूसरा हम देख रहे थे प्रभु 100% मनुष्य बनकर आया है। हम तीसरा देख रहे थे हम ये चारों स्त्री लोग ऐसे प्रभु के लिए वो लोग खड़े रहे, वो लोग का नाम इधर आ गया। ये सब चीजें हम इसमें से सीख रहे हैं। प्रभु इन वचनों को द्वारा आपका आशीष करें।